नमस्कार, मैं हूं दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शिवपुरी दौरे के दौरान मोदी सरकार की जमकर तारीफ। मुरैना में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत किया गया मैराथन का आयोजन। बीना में निकाली गई मां जागेश्वरी की भव्य शोभा यात्रा और ग्वालियर में घर घर विराजी माँ दुर्गा, बाजारों में दिखी रौनक। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को ग्वालियर और शिवपुरी के दौरे पर थे। इस दौरान शिवपुरी से आने के बाद अमित शाह ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया की छतरी पर पहुंचे। उन्होंने राजमाता की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और नमन किया। क्षत्रिय समाधि स्थल से रवाना हो रहे हैं। चलो पीछे पीछे भाई। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार को अगर नवरात्रि शुरू होते हैं तो माँ नाव से सवार होकर आती हैं। मान्यता है कि नाव पर सवार होकर माता आती हैं तो मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। आज बाजारों में सुबह से ही लोग पहुंचे और माता की मूर्ति को लेकर स्थापना की। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के। 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 ओ भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया, बस तेरे प्यार के। मेरी अखियों के सामने ही शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। विनती हमारी भी अब करो मंजूर। एक बार फिर बाजार में फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है। नगर निगम द्वारा कुछ दिन पूर्व महाराज बाड़े पर की गई कार्रवाई सिर्फ दिखावा साबित हुई। यहां बाजार में जाम का सामना अभी भी देखने को मिला है।
आराजवाड़ी पर किसी भी प्रकार के हादसे को रोकने के लिए खड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी खुद ही किसी हादसे का शिकार हो सकती है। इसके चालक ने हमारे संवाददाता को बताया कि गाड़ी कंडम हो रही है और इसका मेंटेनेंस भी नहीं किया जा रहा है। खराब पड़ा है, खराब खराब पड़ा है, ये चूट भी लग सकती है, खराब है, खराब है। अरे गेट गायब है, गेट पहले था इसमें, वो टूट गया था, देख से काम करना पड़ेगा। कौन सी वाली गाड़ी चलाते हैं? कहाँ पर खड़ी है? महाराज गाड़ी पे जो गाड़ी जो खड़ी है ये बिल्कुल सही है? नहीं सर, सही नहीं है। ये क्या है, तो गाड़ी खराब है, उसके भैया है ना वो मेरा पीछे लग रहे हैं, इसके कुछ का लीक है। अभी गए थे एक दिन दिखाने के लिए, उन्होंने ट्रांसफॉर्मर दे दिया था, अब उनका ट्रांसफॉर्मर में दो ट्रकों में आग लगी, तो वहाँ से वहाँ के लिए भिजवा दिया। दोबारा भी कॉल किया अधिकारियों को, तो बोलेगा कि करा देंगे करा देंगे, लेकिन साहब कई बार नोट डाल चुके हैं फाइल में। क्या लगता है कि गाड़ी जब कम्प्लीट नहीं है और बाड़ी जैसी स्थिति में खड़ी है, अभी कोई इमरजेंसी कॉल आई एकदम अगर स्पीड पे इसमें गाड़ी दौड़ाना पड़े तो उससे हादसे ही हो सकते हैं? हाँ, हादसे हो सकते हैं। हादसे ही क्या कह सकते हैं, हादसे तो होंगे ना, जब अपनी गाड़ी सही नहीं है, ब्रेक नहीं लग रहे हैं उसके सही, अगर एक दम ब्रेक मारो तो ब्रेक चल जाते हैं, फिर जब ये जाम हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम है गाड़ियों में, सायरन नहीं है गाड़ियों में, बहुत सी कमी है। तो आपके जो प्रभारी है, क्या नाम है प्रभारी? प्रभारी का अभी ये फायर रोड मॉडल है हमारे अकबल सिंह यादव जी। उनसे नहीं कही अब? नहीं, मैंने उनसे क्या कहते हैं जो हमारे फायर ऑफिसर है, जो फायर ब्रिगेड के, उनको मैंने सूचना दी थी। क्या नाम है उनके फायर? उनका उमंग करता हूँ। उन्होंने क्या कहा? उमंग साहब ने बुलवाई थी गाड़ी उठकर, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा बैठा लिया, कोई कारण कोई काम नहीं गाड़ी, गाड़ी ऐसी खड़ी है, गाड़ी ऐसी खड़ी। बीना में नवरात्रि के पहले दिन मां जागेश्वरी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों धर्म प्रेमी शामिल हुए। यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। बीना से हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह की खबर। Okay.
मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मिली मैराथन दौड़ का आयोजन भीमराव अंबेडकर स्टेडियम से परेड ग्राउंड तक किया गया। इसमें हजारों धावक बालक और बालिकाएं और युवा खिलाड़ी दौड़े। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश और बढ़ते ही रहो और बढ़ते जाएगा। तुम झुके तो स्वतंत्रता का झुके तो सफलता भजो आसमान में। उसी तरह लाइनों में लग जाइए। स्वागत करें, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मुरैना के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हाथ आगे कर लीजिए। होंगे यह शपथ लेते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराओं की प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा, तीनों बेटियों को पुरस्कार दिला किया गया मतदाता जागरण के लिए। निश्चित तौर पर इस सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। मध्य प्रदेश में आप लोगों को पता है चुनाव है और मध्य प्रदेश मुरैना शहर हुए। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को वोटिंग है और भारत निर्वाचन एक एक करके आ जाइए। आपको पता है कि मेडल रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी आज जल्दबाजी कर रहे हैं, गतिविधियाँ किए जा रही हैं। उसी संदर्भ में आज मिनी मैराथन स्टेडियम से यहाँ ग्राउंड तक रखी गई थी। बड़ी प्रतिभागियों ने भाग लिया है। यहाँ से बेटा पीछे हट जा, बेटिया आप पीछे हट जा, थोड़ा सा चलाई गई है। इधर से निकलने के लिए जगह बनाई गई है। बड़े आयोजन पहले भी आगे भी होंगे, उसमें कैंडल मार्च चयन है, भारत निर्वाचन आयोग का चिन्ह बनाया जाएगा। आज जो घड़ियाल है जो कि चंबल की पहचान है मुरैना की, शुभंकर को उसको जो है लोकार्पित किया गया है। उसको जो है शुभंकर आज से घोषित किया गया है निर्वाचन के लिए। जो घड़ियाल है वो हमारा मुरैना जिले का शुभंकर है। उसी तरह की कई गतिविधियाँ की जा रही हैं। आज विभिन्न श्रेणियों के जो धावक हैं
खासतौर पे युवा वर्ग दौड़ में काफ़ी रुचि रखता है और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं पुलिस की, पैरामिलिट्री, आर्मी बड़ी संख्या में आज इस है और उन सबको मतदान के लिए, नैतिक मतदान के लिए और 100% मतदान के लिए कोशिश की। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मुरैना का संभल योजना का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें कर्मचारियों की सांठगांठ से चूना कंपनी को लगाया गया है। 1 जुलाई से प्रदेश में संभल योजना लागू की गई थी। कंपनी के महाप्रबंधक विनोद कटारे के निर्देश पर शिशिर गुप्ता उप महाप्रबंधन ने संभल योजना के हितग्राहियों को दस्तावेज की जांच पड़ताल शुरू कराई। योजना के 197 उपभोक्ताओं के कुट सचिव फर्जी दस्तावेजी के माध्यम से 1,97,00,000 रुपए के बिल माफ कराए। इसमें कुछ उपभोक्ताओं ऐसे भी निकले जिन्होंने मुरैना शहर में अपने मकानों की बिजली जलाई और बिल माफी की स्कीम चालू हुई। योजना के जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी प्रकरणों की जांच में ये आया था कि कुछ प्रकरणों में लोगों ने गलत दस्तावेज लगाकर या गलत तरीके से लाभ लिया है। इस तरह की शिकायतें हमारे महाप्रबंधक साहब के पास आई थी, उन्होंने जांच के आदेश दिए। उसके बाद इस दिशा में थोड़ी गंभीरता से जांच की जा रही है। इसमें 2-3 तरीके के समस्याएं आई हैं। सबसे पहले तो जो जिस क्षेत्र का उपभोक्ता है उसके द्वारा उस क्षेत्र से बाहर से उसकी अपना लाभ लेने का प्रयास किया गया है। ऐसे केसेस 197 केस चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 187,00,000 रुपए की छूट का लाभ इन उपभोक्ताओं ने लिया है। इन सब की छूट निरस्त कर दी गई है, वो इनको नोटिस जारी किए गए हैं कि यदि इनके सही दस्तावेज हों तो कार्यालय में जमा करें, अन्यथा उनकी छूट उनको नहीं मिलेगी। जिससे मैं इसको विवरण ये समझाऊँ कि गणेशपुरा जोन का यदि मामला है तो उन उपभोक्ताओं की, गणेशपुरा जोन के उपभोक्ताओं की प्रविष्टि गणेशपुरा से ही होनी चाहिए। और यदि उसकी हेतमपुर, भिंड, जिगनी, बामो कहीं ऐसी जगह से प्रविष्टि होती है तो वो संदेह के घेरे में आता है। तो इस तरह के सारे प्रकरणों को हमने नोटिस दे के निरस्त कर दिया है, उनकी छूट भी वापस की जा रही है। तो FIR के लिए भी आवेदन दिए गए? हाँ, इसमें हमारे सहायक यंत्रियों ने जांच करके 4 प्रकरण थानों में 420 के तहत प्रकरण दर्ज करने के लिए भेजे गए हैं। जैसे जिन कर्मचारियों का उसका नाम इस गलत कार्रवाइयों में आया है, उनमें से 2 लोगों को की सेवा आउटसोर्स कंपनी की तरफ से समाप्त कर दी गई है। शिवपुरी के पोली ग्राउंड में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मंच से मोदी सरकार की तारीफ की और सिंधिया पर ताना मारा। पोलो ग्राउंड में पहली बार बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह के साथ मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री रुस्तम सिंह, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्र बुद्धे और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कई बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। अमित शाह के दौरे को लेकर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को धन्यवाद दिया। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को राज्य में एक बार फिर सरकार बनाने की तैयारी करने की बात कही। एक पंक्ति में उनके लिए कहना चाहूंगा, वैसे तो दुनिया की हर चीज कीमती होती है, लेकिन सबसे मूल्यवान अपने मन का मोती है। ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं के मन के मोती आदरणीय अमित शाह जी हम सबका मार्गदर्शन करें। 37 साल को हम देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ करके राजमाता की स्मृति में पोस्ट के टिकट निकलेंगे, इनकी प्रतिमाएं लगेगी, कई जगह सार्वजनिक स्थानों के नामकरण होंगे,
कई नए नए सरकार के। शिवपुरी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सपाक्स के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी में आज जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आगमन हुआ, वहीं दूसरी तरफ सपाक्स के कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एसटीएससी को लेकर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सपाक्स के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इन लोगों ने एससीएसटी एक्ट को लेकर नारेबाजी भी की। हालांकि अमित शाह के दौरे के बाद पुलिस ने सपाक्स कार्यकर्ताओं को छोड़ा तो उन्होंने तात्या टोपे की समाधि स्थल पर जाकर जल छिड़का, क्योंकि अमित शाह ने हेलीपैड से उतरने के बाद अग्रसेन चौक के पास स्थित एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहित तात्या टोपे के समाधि स्थल पर माल्यार्पण का नमन किया था। उनका कहना है कि अमित शाह के समाधि स्थल पर आकर श्रद्धांजलि देने के कारण शुद्धिकरण किया गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शिवपुरी दौरे के दौरान मोदी सरकार की जमकर तारीफ। मुरैना में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत किया गया मैराथन का आयोजन। बीना में निकाली गई मां जागेश्वरी की भव्य शोभा यात्रा और ग्वालियर में घर घर विराजी मां दुर्गा, बाजारों में दिखी रौनक। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।